आज एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारे घर में गुंडे घुस आए हैं और मैं घर में अकेली हूँ और पूरा घर में लाइट गई हुई है, तो गुंडे आ जाते हैं चाकू लेके यहाँ पे वहाँ पे, और मैं वहाँ डर जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कुछ सा कुछ तो करना ही पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। तो हम उसे गिराते हैं, उसे ऊपर चढ़ के कूदते हैं, कूदते हैं, खूब पिटाई करते हैं, और पिटाई करने के बाद हम लोग नीचे ऑयल डाल देते हैं और वो सारे सारी खाने की चीज़ें उनके मुंह पे डाल देते हैं, नीचे गिरा के मारते हैं। उसके बाद हम बाहर भाग जाते हैं, उसके आगे का हम शूट करने वाले हैं। अच्छा, वैसे अभी अपनी रियल लाइफ में इतनी है स्ट्रॉन्ग? हाँ, अम्मी से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है अर्शीन, लेकिन जैसा अम्मी ने किया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए गुंडों से वो लड़ी जो वो कर नहीं सकती थी, लेकिन उसे लगा कि मुझे करना ही होगा अब कुछ भी। और वैसे ही अगर अर्शीन होती तो अर्शीन बिना झिझक के थोड़ा सब कुछ वो सेम टू सेम करती, लेकिन और मारती और कुछ करती, मामा पापा को इन्फॉर्म करती, पुलिस को बुलाती, ऐसे सब चीज़ें करती। वैसे ये सीन करने में कितना मजा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया है इसमें, जो एलिमेंट्स थे जहाँ पे वो लोग गिरते हैं, हम लोग तेल डालते हैं, हम लोग सॉस डालते हैं, हम लोग बहुत सारा मस्टर्ड सॉस डालते हैं, और सब आटा वाटा सब कुछ इनके ऊपर गिरता है। तो अब सीन देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, शूट करने में मज़ा आता है, लेकिन देखने में मेहनत, जब हम देखते हैं कि स्क्रीन पर ये सीन आ रहा है जो हमने शूट किया है, तब हमें उस सीन की, उस दिन की मेमोरीज याद आती है कि हमने कैसे शूट किया था, किस एंगल में शूट किया था, क्या क्या मस्ती की थी, क्या क्या रंग फेंके थे और क्या कुछ और किया, सब मेमोरीज याद आती है। तो वॉज द बेस्ट पार्ट मुझे लगता है।